हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं लंदन हीथरो की तरफ अपनी मम्मी को पिक करने। तो आज मेरी मदर इन लॉ आ रही हैं इंडिया से और हम सब जा रहे हैं उन्हें पिक करने। तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं सारी रात सोई नहीं हूँ। और अब मैं गाड़ी के अंदर अपने डूवे और अपना पिलो लेकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं रास्ते में सोने वाली हूँ। और सौरभ भी बहुत एक्साइटेड है, ऑब्वियसली उसकी मम्मी आ रही हैं तो एक्साइटेड वो होगा ही। अबीर को तो बस उसका वो पार्टनर मिलने वाला है जो उसके साथ ऊनो खेलेगा, कार्ड्स खेलेगा, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी हिज ग्रैंड मा। तो चलते हैं और करते हैं उनको पिक और हम सब मिलकर लेकर आते हैं उनको घर। Hey guys, so we're almost gonna pick grandma up, and we're so close. It's 10 more minutes, and as you see, mommy's sleeping. She's been sleeping for quite a long time. She hasn't slept whole night. I know she's only slept for like 1 minute. And guys, daddy's driving the car. I'll show you. Give me 1 second. Daddy's driving the car. How long will it take? Just traffic, we're almost here. I don't know what happened. Why is there traffic? Is there accident or something? Don't know, beta. You said there were delays, right? Yeah, Heathrow is just there. It's fine, it's gonna be there. Yeah. Good morning, guys. Welcome to the new vlog. तकिए से लेकर रजाई तक सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर आज। भाई मैं सोई नहीं सारी रात, पता नहीं क्या ही करती रही मैं और मेरे काम को भी खत्म ही नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है नेवर एंडिंग काम करती हूँ। मोदी किसी दिन घर आ गया तो तू 5 दिन नहीं सोएगी। सौरभ कह रहा है किसी दिन मोदी घर आ गया तो तू तो 5 दिन नहीं सोएगी। मोदी जी आए तो सही। एनीवे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लंदन हीथरो। सॉरी मैंने वो एकदम ब्लॉग जैसा शूट नहीं करा है कि अब प्लेन आ रहा है, लिखा आ रहा है लंदन हीथरो इतनी दूर, तो आप लोग समझ जाओ यार, ठीक है ना, आप तो घर के ही हो। तो फाइनली गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में और अब हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। सुरसा बहुत ही जल्दी में है, मम्मी पहुंचने वाली है बस। मम्मी की ना फ्लाइट लैंड कर गई है और अभी सूरी एक्साइटेड टू सी ग्रैंडमा। ये लो अपना पोस्टर पकड़ो, बंदे ने पोस्टर बनाया है, ठीक है चलो लेट्स गो। बंदा कलर करना भूल गया है पोस्टर को। चलो कोई बात नहीं, वो देखो ग्रैंड मा आ गई जी। ये बना के लाया अभी, इतना लेट हो गया लेकिन ठीक हो? हाँ मैं फिर उस मुझे निकलने के लिए क्यों जा रहा हूँ, उठ गए काफी था अरे ये दिस इज फॉर यू। कलरिंग आधी रहेगी हमारी थोड़ी बहुत। चलो जाओ ग्रैंडमा के साथ आ जाओ। हाँ मत कर यार, इतना स्वभाव लेके क्या करेगी, सो मत जाइयो भाई ट्रॉली टूट जाएगी। यहाँ लंदन हीथरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक, इतनी देर से हम यहीं पर खड़े हैं। और जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना देख रही हूँ मैं, लंदन आ गई हूँ। सो गए थे आप कल तो इंडिया में? हाँ थोड़ा सो गई थी मैं, एक ओवरकोट लेके आई हूँ। यहाँ मेरे नाप का मिलता नहीं है, इतने बड़े बड़े झल्ले मिलते हैं, मैंने कहा इस बार साथ लेके जाते हो अपने। पहले वाला ही है कि नया लिया था? नहीं मैंने नया लिया, एक बार पहना सिर्फ बस। मैंने मम्मी को कहा मम्मी इस बार पहली बार मैं आपको लेने आई हूँ, कह रहे हाँ हमेशा लक्की खड़ा होता था लेने के लिए, आज तक लक्की देर नाल नहीं आया, हमेशा टाइम पे आ जाता सी। मैं कहा आज मैं आ गई ना।
हम लोग आ गए हैं यहाँ पर प्रीमियर इन, तो हमने कहा चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कितनी देर लगेगी पहुँचने में घर? दो घंटे कैसे लगेंगे यार, कमाल की बात कर रहा है तू। सवा घंटे में पहुँचाना है तूने? चलो मम्मी जा गई हैं। अच्छा नहीं नहीं अच्छी बात है, हंसते रहो बस आप। क्या हुआ तुम्हारा? अबीर और अबीर का फिजिट स्पिनर, यू रियली लाइक दिस ना? वैसे मैंने भी उस दिन मैं भी खेल रही थी। डोंट से दैट, क्योंकि बड़ा सेटिस्फाइंग था, सीरियसली मजा आ रहा था ऐसे करने में। मैंने घर से निकलते मैकडोनल्ड्स खरीद लिया था भाई, सॉरी रात की उठी हुई थी, मुझे ना ऐसा लगा मुझे भूख लग रही है, पर मुझे ना खाना कम करना शुरू करना पड़ेगा, मैं बहुत खा रही हूँ। वैसे मैं पतली लगी आपको मोटी? गुड मम्मी, राइट आंसर, आप पहले एग्जाम में पास हुए। मतलब बहुत बदतमीज है। नहीं नहीं ये मम्मी कह रही नहीं नहीं खुद को तोड़ना तो मज़े रही हूँ। ऐसे अंधेरे में वीडियो बन रही होगी, इनकी स्पेशलिटी है अंधेरे में वीडियो बनाना। अरे कोई अंधेरा नहीं, एकदम गोरी चिट्टी नजर आ रही है तो एकदम। नहीं बात गोरी चिट्टी की नहीं है, तो छोड़ो। इनसाइड आउटसाइड? इनसाइड वेरी हार्ड। जी तो ग्रैंडमा के साथ खेला जा रहा है आई स्पाय विद माय लिटिल आई। ग्रैंडमा जी से ग्रैंडमा। तो गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो जी से शुरू होती है? गूगल अर्थ गाइडेंस ग्रे कलर ग्रेट ब्रिटेन। Graphics, very nice, Abhi. कौन सा speed? कौन सी गाड़ी है ये? Lamborghini. SUV नहीं है। मम्मी पहुंच गई हैं घर और भाग रही हैं। मैं कह रही हूँ रुक जाओ अभी आपका स्वागत करना है। इस स्वैग से करेंगे आपका स्वागत, रुक जाओ अभी। अभी ग्रैंड माँ को खरगोश दिखाने लेके जा रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, थाली बनाओ। कमिंग गाइस कमिंग। दोस्तों मम्मी के साथ लाइटें जलाओ। दोस्तों आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ हमारी मम्मी का स्वागत करने के लिए। चलो 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 मम्मी जल्दी करो। एक मिनट आरती की थाली भी, आरती सॉरी यार मैच बॉक्स नहीं मिल रहा पता नहीं। कोई बात नहीं चलाओ चलो जल्दी चलाओ। मैं सुबह सब कुछ रख के गई हूँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी आ जाओ। और वो तेल? हाँ तेल तेल सरसों का तेल दो। मम्मी का स्वागत स्वैग से होना पड़ेगा। मम्मी से पूछे कर लेते हैं ना क्योंकि गलती नहीं हो जाए। हवा चल रही है वैसे ही, मैं हेल्प कर दूं कोई हंसी आ रही है सबको। वेलकम टू द न्यू हाउस, बहुत बहुत मुबारक हो आपके बेटे ने घर लिया। आपके बेटे ने सबने लिया है, सबने लिया है, पांव छूते हैं। हाँ पांव छूते हैं। वेलकम सीरियसली दिल से, व्लॉग लूक के लिए नहीं पर दिल से वेलकम। आ जाए आप पहले अपना वाओ राइट पांव इन्होंने पहले अंदर रखा और यूके की परंपरा को निभाते हुए मम्मी जी ने अपने शूज उतार दिए। चलो अभी लेट्स गो। मंदिर कहाँ पे है? मंदिर दिखाना। चले तो फिर रिएक्शन क्या लगा आपको अंदर आके पहला? अभी तो उन्होंने किचन ही देखी है। बंदा थोड़ा सा सोच रहा है अभी। सोच रहा है ये इतने बढ़िया घर में मैंने कभी सोचा नहीं सपने में भी। अरे अच्छा हमारा वो देख लो सब्सक्राइबर की वो ट्रॉफी लग चुकी है वहाँ पे। ये देखो ये हमारे YouTube की ट्रॉफी हमारी। अब आप आए हो आपने इसको गोल्डन करवा के जाना है या आपका जिम्मा है? गोल्डन करा के जाना है। हमारी थीम के तो मिलवा के जाना है। चलो आपको आपका रूम दिखाते हैं फिर।
पानी पानी पिलावा पानी तो कुछ नहीं पकड़ लो पानी पिलाए बैठे मैंने आपका बैठे प्लीज देखे बिठाए आप मेहमान को पानी अभी बैठे 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 आप थोड़ा और पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बंदे की साइज के हिसाब से ठीक हो सकती है पानी लाओ जल्दी मेरी मम्मी के लिए सर और भी नत्व से घूंघट का क्या हूं हां क्यों नहीं करा बेटा सास आई है सासु मां ऐसे ही करना है ग्रैंडमा आई है इंडियन आइडल से अब वो मुंह में डाल चुका है जब ग्रैंड माँ देखेंगी अपना कमरा आ जाओ मधुसूरी आए सेकंड फ्लोर से किराएदार आ गए आ जाओ जी द बेड इज नॉट देयर अच्छा मैं देखूंगा ग्रैंडमा के साथ साथ आप भी देखें तो ये है ग्रैंडमा का रूम ओके व्हाई कैन मी एंड ग्रैंडमा स्लीप हियर या यू बोथ कैन स्लीप हियर अभी नो अभी वैसे तो अभी इस रूम में बहुत कुछ होना है अभी टीवी भी आना है यहाँ पे No, अभी इसमें साइड टेबल्स पे लैंप भी आने हैं हाँ जी टीवी इज नॉट गोना कम हियर क्यों तुम्हें रुइन कर दिया सारा ग्रैंडमा तो ग्रैंडमा आपका ड्रेसिंग टेबल भी है जिसको हम वैसे होम टूर ब्लॉग में दिखाएंगे लेकिन आप देख सकते हो आज देख लिया आपने वहाँ ग्रैंडमा हमारी बड़ी प्यारी है सुबह मॉर्निंग टी आपको यहाँ पे सर्व करी जाएगी हाँ जी टी अभी अभी नहीं सीरियसली आप और अबीर यहाँ बैठना मैं और आप यहाँ बैठ के जितनी भी चुगलियाँ हैं जितने भी गॉसिप हैं वो यहीं बैठ के होंगे तुझे भी माननी है चुगलियाँ आए हमारा चुगलियों वाला पार्टनर मिल गया भाई चुगलियाँ चुगलियाँ हैं चुगलियाँ मींस गॉसिप उन्हें है किता इन्हें है किता उदी है उदी है मेरी है तेरी है दिस इज कॉल्ड चुगलियाँ चलो अब ग्रैंडमा को फ्रेश होने देते हैं ठीक है पहला दिन बंदा जिन्नी ऐश कर ले उतना चंगा है ना मम्मी कहंदे कुछ ना गोल गोल जाएगा मैं कह रॉकेट है रॉकेट जब ग्रैंडमा लास्ट टाइम नहीं जब अबीर बहुत छोटा था ये देखो अबीर छोटा कितना हां हम लोग पेपा पिग वर्ल्ड गए थे पेपा पिग अबीर ये निकाल के लेके आया फोटो मम्मी आप तो अभी तक जवान के जवान ही लग रहे थे फर्क नहीं लगा बिल्कुल ऐसे ही अंकल फटका मम्मी फोटो फ्रेम पे ज़ूम कर रही हैं वाओ आज गई है ना बेचने वाली है इनको खरीदने आई है ये घर इतना सामान है ये अलमारी ऐसे बन गई है ये लाइट कल ठीक हो जाएगी तो क्या मम्मी खरीदने आई है घर बंदे को बता रहा हूँ उनके कमरे में क्या क्या अमेनिटीज है हाँ तो इसलिए बाकी गाइस हम आपको इस रूम का पूरा टूर नहीं हमने दिया है इसमें वार्डरोब्स भी बनवाई हैं हमने अभी इसमें हमने ड्रेसिंग टेबल बनवाया है वो सब कुछ हम कवर करेंगे अपने होम टूर ब्लॉग में जो कि मैंने आपको कहा है कि दिवाली से पहले आ जाएगा मेरा बच्चा बीच में बोलता रहेगा इन्हें चुप कराना बड़ा मुश्किल है This is a sneak peek of the show. It's a floor, guys. Who's not excited about a floor? मैंने गर्मा गर्म बनाई है अदरक वाली चाय तो मम्मी अभी नहा के निकली है क्योंकि वो कह रही है कि बेटा अभी खाना नहीं खाना मुझे अभी चाय पिला दो तो अदरक वाली मसाला डाल के बनाई है बढ़िया सी चाय मैंने अबीर को पिलाते हैं मैंने अबीर को थोड़ी सी चाय देनी शुरू करी है क्योंकि एक तो हमारी चाय के अंदर चीनी नहीं होती है दूसरा अबीर के लिए थोड़ा यू नो अच्छा है थोड़ा अदरक कार्डमम एक में बस टी मसाला है घर का बना हुआ वो उसके अंदर चला जाता है तो उसके गले को ना बहुत आराम मिलता है तो अभी इसको डाइजेस्टिव बिस्किट के साथ देते हैं थोड़ी सी चाय अब
मम्मी को डाइजेस्टिव बिस्किट, ये इंडिया वाले हैं गाइस, बहुत बहुत पसंद हैं। मम्मी के बिस्किट ऐसे रख देते हैं और अबीर के बिस्किट ऐसे रख देते हैं। चलते हैं ऊपर। अबीर यहाँ आ जाओ बेटा, मैंने आपके चाय और बिस्किट रखे हैं। हाँ आई नो। हाँ जी ना लिया ए चाय का कप पियो, थलिया पीना है, आ जाओ थलिया। मम्मी कह रही है मैं नीचे बैठ के चाय का कप पीऊंगी। चाय पे होगी अब थोड़ी चर्चा। आए फ्रेश हो गए एकदम ना के।